आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसको एक इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना रही है और इसको नाम दिया गया है अचूक। अचूक एक फिक्स विंग लॉयटरिंग मिनेशन है जिसको भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी रेडॉन सिस्टम्स की तरफ से बनाया जाता है। इस सिस्टम को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो है टेस्टिंग को लेकर। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी टेस्टिंग का वीडियो देख रहे हैं जिसको ट्विटर के ऊपर शेयर किया गया था। इस वीडियो के दौरान देखा जा सकता है कि इस लॉयटरिंग म्यूनिशन को एक ट्यूब की मदद से लॉन्च किया गया है और लॉन्च के दौरान इस लॉयटरिंग म्यूनिशन के साथ में एक और आइटम निकलता है जो वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद लॉयटरिंग म्यूनिशन आगे चला जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये लॉयटरिंग म्यूनिशन न्यूमेटिक लॉन्च सिस्टम के साथ में आता है, यानी कि हवा का प्रेशर बनाकर इस लॉयटरिंग म्यूनिशन को ट्यूब से पुश किया जाता है और इस न्यूमेटिक लॉन्च की मदद से इसको इनिशियल वेलोसिटी मिलती है। उसके बाद इसका खुद का प्रोपेलर इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगर कंपनी की मानी जाए तो ये सिस्टम ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस दोनों तरीके के मोड में ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसको बेसिकली डिजाइन किया गया है टेररिस्ट हाइडआउट्स, व्हीकल्स, फ्यूल, एम्युनिशन डंप और दूसरी तरीके की कम फोर्टिफाइड चीजों को डिस्ट्रॉय करने में। ये कई सारे सिस्टम एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर स्वार्म फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं है कि कितने सारे ड्रोन्स एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, और अभी वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ पर केवल एक ड्रोन सिंगल ट्यूब से लॉन्च किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि कंपनी आने वाले दिनों में मल्टीपल ट्यूब्स के साथ में लॉन्च भी करने वाली है। मोस्ट लाइकली उस टेस्ट के दौरान हम लोगों को ये चीज पता चल जाएगी कि कितने ड्रोन्स इस स्वार्म में मौजूद हो सकते हैं। वैसे मल्टीपल ड्रोन्स का स्वार्म काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इनका ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस ऑपरेशन, जो कि कंपनी ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। यानी कि आने वाले समय में इन स्वार्म ड्रोन्स को हम लोग प्रैक्टिकली टेस्टिंग में देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि ये टेस्टिंग भारतीय सेना की तरफ से की गई है या कंपनी ने खुद अपने लेवल पर ये टेस्टिंग की है। अगर अचूक के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये 1.5 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, यानी कि ये टैंक्स के खिलाफ इतना ज्यादा केपेबल सिस्टम नहीं होगा, लेकिन अनफोर्टिफाइड बंकर्स, फ्यूल डिपो, एम्युनिशन डिपो और दूसरी कम फोर्टिफाइड जगहों पर काफी आसानी से अटैक कर सकेगा। इसकी ऑपरेशनल हाइट 3500 मीटर्स की होगी। ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकेगा। इसकी स्ट्राइक रेडियस 30 किलोमीटर्स की होगी और इसका सेटअप टाइम केवल 15 मिनट्स का होगा। ओवरऑल ये डेवलपमेंट काफी अच्छा डेवलपमेंट है और ये देखकर काफी अच्छा लगता है जब कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी डिफेंस सेगमेंट में भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। वैसे ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी हैदराबाद में जुबली हिल्स में है और मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों से जाकर मिलूं और इस सिस्टम के बारे में और ज्यादा जानकारी आपके साथ में साझा करूं। फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।